प्रोबेबिलिटी, टुडे वो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी और इसमें है टॉपिक वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में हम एक ब्लॉक से यूनिवर्सल सेट को शो करते हैं और इसके अंदर जो सबसेट होते हैं उन्हें हम सर्कल से शो करते हैं। और इसमें फर्स्ट क्या है, यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट्स में क्या है कि ए, हमारे पास दो सेट्स हैं ए विच इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड बी विच इज इक्वल टू 3 4 5 6। अब यूनियन इसका क्या होगा, अगर वो एलिमेंट जो ए और बी दोनों में है या ए में हो या बी में हो, दो सारे एलिमेंट लिखते ने, मतलब ए में एलिमेंट है 1 2 3, दोनों में कॉमन है ए और बी में, 1 2 3 4 5 और 6। यूनियन जब हम इसका लेंगे तो हमारे पास सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो ए में है और जो बी में है। ए और बी के सब एलिमेंट को जब हम शो करेंगे तो वो आएगा ए यूनियन बी। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन में ये है, यही हम एग्जांपल ले लेते हैं। ए हमारे पास है ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 और बी इक्वल है 3 4 5 6। इंटरसेक्शन का मतलब हमें पता है कि जो दोनों में कॉमन हो, ए एंड बी, ये ए है और ये बी है, ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 कॉमन है और 6, और इसमें अब ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे तो ये वाला पार्ट हम अंडरलाइन कर देंगे, ये वाला पार्ट को डार्क कर देंगे, ये है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो दोनों का कॉमन पार्ट है वो इंटरसेक्शन बी है। देन अ डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट में ये है, इसे ए माइनस बी भी लिखते हैं। हमारे पास इसमें वो है कि वो एलिमेंट जो ए में हो और बी में ना हो, फॉर एग्जांपल ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और बी में एलिमेंट है 3 5 6। अब हम क्या लिखेंगे, ए कम्प्लीमेंट बनेगा 1, इस बी में नहीं है तो 1 भी राइट करेंगे और 2 लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 बी में है, और 4 राइट करेंगे, 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 बी में है। अब हम इसे वन डायग्राम में कैसे शो करेंगे, इनमें कॉमन है 1 2 4 और यहाँ पर है 3 5 और 1 2 4 3 5 और यहाँ पे है 6। अब हम क्या, ए कम्प्लीमेंट में आएगा वो एरिया जो ए में है बी में नहीं है, बी में 3 और 5, ए में भी है बी में भी है, तो इसे हम अंडरलाइन नहीं करेंगे, हम बाकी पार्ट को अंडरलाइन करेंगे। ये हमारा ए माइनस बी है, मतलब ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, और यहाँ पे 1 2 4 है वो ए में तो है बी में नहीं है, इसलिए हमने इसे अंडरलाइन किया। देन है कम्प्लीमेंट ऑफ सेट, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए है विच इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और हमारे पास यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम कम्प्लीमेंट कैसे लेंगे, वो एरिया जो ए में ना हो बाकी, मतलब ये यू, यू ए कम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस ए, यू के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, ए में एलिमेंट कौन कौन से है, 1 2 3 4 5 ए और यू दोनों में है और 6 7 8 9 ये बाकी एलिमेंट रह गए। और अब हमने ए के एलिमेंट, ए में 1 2 3 4 है, इसके अलावा बाकी सारे पार्ट को हमने अंडरलाइन कर देना है क्योंकि ये यू है, यू के वो एलिमेंट है जो ए में नहीं है, यू माइनस ए, मतलब यू के वो एलिमेंट अंडरलाइन करेंगे जो ए में नहीं है। 1 2 3 4 ए में था और यू में भी था, इसलिए हमने इसे वैसे ही रहने दिया, वो एलिमेंट जो यू अकेले में है ए में नहीं है उन्हें हमने अंडरलाइन की।
अब एक एग्जांपल है हमारे, हमें एस गिवन है एस इक्वल टू 1, 2, 3, 4 up to 10 और ए इक्वल है 1, 2, 3, 4 और बी इक्वल है 2, 4, 6, 8 एंड सी इक्वल टू 1, 3, 5, 7। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए माई ए यू बी, ए यू बी में क्या है, ए और बी के एलिमेंट सब राइट हो जाएंगे 1, 2, 3, 4 एंड यू बी में है 2, 4, 6, 8। देन है 1, 2 दोनों में कॉमन है 3, 4, 6, 8 ये ए यू बी है। देन है ए इंटरसेक्शन सी, अब हम वो लिखेंगे जो ए और सी दोनों में कॉमन हो वो एलिमेंट सिर्फ राइट करेंगे, और ए में है 1, 2, 3, 4 इंटरसेक्शन सी है 1, 3, 5, 7 और इनमें कॉमन क्या है 1 and 3। अब हम फाइंड करेंगे सी कम्प्लीमेंट, सी कम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस सी, यू हमारे पास है 1, 2, 3 up to 10 माइनस सी है 1, 3, 5, 7। अब इसका जब कम्प्लीमेंट लेंगे 2 आएगा, जो यू में है और सी में नहीं है वो हम राइट करेंगे, 2 आएगा, 3 यहाँ पे है, 4 नहीं है तो 4 आएगा, 5 है, 6 नहीं है 6 आएगा, 7 है, 8 नहीं है 8 और 9 और 10 आ जाएगा। देन फैक्टोरियल, देन है फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को हम शो करते हैं एन फैक्टोरियल से, इसमें होता है एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अप टू 3, 2, 1 ये सब एलिमेंट हम लिखते हैं। अब अगर हमने 5 फैक्टोरियल फाइंड करना है तो विच इज इक्वल टू होगा 5, 4, 3, 2, 1 3 to the 6, 6 4 the 24 and 5, 5 4 the 20, 5 2 the 10, 11 12, 120 आ जाएगी। देन है 4 फैक्टोरियल, अगर हम फाइंड करें तो 4 into 3 into 2 into 1 यानी 4 और उससे पीछे वाले सारे नंबर लिखेंगे विच इज इक्वल टू 24